यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेगम कोट चौक जी। ये लोग शेखुपुरा की तरफ जा रहे हैं, ये सामने बेगम कोट चौक है। यहाँ पे रोड पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको आज आपसे शेयर करूँगा, वो डिटेल्स हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पे जो तोड़फोड़ की गई है, रोड्स को तोड़ा है, वो कहाँ तक काम पहुँचा है, कितना काम इन्होंने कर लिया है। ये मेरे बिल्कुल सामने ये जो चौक है, ये है बेगम कोट चौक, ये शेखुपुर की तरफ जो रोड जा रही है, शरकपुर शरीफ शेखुपुर रोड। पत्थर यहाँ पे फेंका हुआ है और शेखुपुरा की तरफ जो ट्रैफिक जा रही है वो एक साइड से थोड़ा सा रास्ता है, यहाँ पे रोड बनाने के लिए पत्थर यहाँ पे मौजूद है, आप देख रहे हैं, और यहाँ तक पत्थर बिछाया है। आगे अभी थोड़ा सा पत्थर रह गया और फर्दर आगे कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये मैं जा रहा हूँ चौक की तरफ, ये पत्थर बिछाया हुआ है यहाँ तक। आगे सारा चलेंगे, आगे की डिटेल भी आपसे शेयर करूँगा कि वहाँ पे काम कितना हो गया है, रोड कहाँ तक बनाई है, कौन सी रोड बन रही है, ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है, आगे चल के वो भी सारी डिटेल्स देखते हैं। अच्छा, जो तो ट्रैफिक आ रही है ना लाहौर की तरफ, शेखुपुरा से लाहौर की तरफ जो ट्रैफिक जा रही है वो तो रोड ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक में कोई बैरियर्स नहीं है, ये फ्लो बिल्कुल सही है, लेकिन जो लाहौर से शेखुपुरा की तरफ ट्रैफिक जा रही है वो इफेक्टेड है। आप देख रहे हैं ना सामने से जो आ रही है ट्रैफिक, वो शेखुपुरा की तरफ जा रही है ना, वहाँ पे है प्रॉब्लम्स, ये वाली साइड बन गई। लाहौर से शेखुपुरा की तरफ रोड जा रही है ये, फैसलाबाद शेखुपुरा शरकपुर शरीफ, आगे बेगमकोट चौक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, यहाँ से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है अब शहरियों को यहाँ से गुजरने के लिए। वो मेरे पीछे एक मुकम्मल लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। पत्थर को बिछाया नहीं है यहाँ पे, काम स्टार्ट नहीं हुआ। वैसे ये खुशाइंद है, दरख्त लगाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है ये दरख्तों को लगाना, आई अप्रिशिएट इट। दरख्त बड़े हो जाएंगे, ग्रीनरी होगी, आवाम को चाहिए अब इसका ख्याल रखे, बहुत अच्छा कदम उठाया है ये दरख्त लगाने वाला, अब इसकी प्रॉपर केयर की जाए। देखे ना ट्रैफिक, एक लंबी लाइन यहाँ रुकी हुई है, ऐसा ऐसा ट्रैफिक जा रही है, तो इस तरफ जाने वाले हजरात ज़रा ध्यान से ट्रैवल कीजिएगा भाई। सीवरेज का हॉल है, इसे रेडी किया है, सीवरेज के भी निज़ाम को बेहतर करें इंशाल्लाह। मशीनरी खड़ी है लेकिन वर्क नहीं कर रही है, इसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, ये प्रोजेक्ट क्या है, मुझे ताहाल इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, जस्ट आपको अपडेट्स दिखाई हैं कि आप खुद देखें अपनी आंखों से क्या बना है, क्या यहाँ भी रोड बनेगी, कब बनेगी, कैसे बनेगी, किस तरह की रोड बनेगी, कोई डिटेल्स मेरे पास नहीं है फिलहाल इसकी, आप देखिए, बाकी इंशाल्लाह मुझे अगर जो भी कन्फर्मेशंस हुई आपसे शेयर करूंगा। तो
यहाँ ट्रैफिक बहुत स्लो है, गर्मी भी अपने अरूज पे है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो यहाँ से जो गुजरे ज़रा सोच समझ के आइएगा, आपको यहाँ पे भी टाइम लग सकता है। ये डिटेल्स नहीं इस तरफ, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल मलिक चौधरी को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखें ये रोड बन चुकी हुई है और यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। ये भी अच्छा किया है इन्होंने, आगे की रोड सारी टूटी हुई है, 25 नंबर तक तकरीबन रोड ऐसे ही है आगे, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन होनी है अभी। देखिए उन्होंने रोड जिसे कहते हैं ना तोड़ के उसको थोड़ा सा ऐसे सेट किया हुआ, और डस्ट इतनी इंतहा की डस्ट है। ये है अल खान रेस्टोरेंट मेरी लेफ्ट साइड पे, उसके सामने भी ये देखें कितना ज़्यादा सारी कंस्ट्रक्शन होने वाली है। तो ये है सिचुएशन इस टाइम की जो मैंने आपके साथ शेयर की है, अब तक की सिचुएशन। आप वीडियो को देखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।